बहुत से इतिहास के जो संगठन बनाए हुए हम के आप मेंबर रहे हैं और हमारे संगठन को समय समय पे और बारी समाज के निवेदन पे बराबर ये इस समाज की उत्पत्ति और कीरत भाई जिन्होंने मेवाड़ के संस्थापक जो आज उदयपुर में बैठे हैं उनके महाराणा को बचाने के महत्वपूर्ण काम किया था। उनके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम का सारा योगा निकाल रहे हैं। साथ ही हमारे बीच भी और भी वीडियो ले वाले भी आने वाले हैं जो कीरत भाई का टीम एक दूसरे को इसी के साथ हम जो राजनाथ जी बताते हैं जय हो। तो आप देखिए कि वारी समाज के सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन जो है वो आयोजित हो रहा है उदयपुर में, जय किशन जी चौबे साहब परिचय दे रहे हैं। आप तो इधर बैठ जाए बीच में, आप कुर्सी ले लो आप। और इनके बारे में सबसे बड़ी चीज ये कि आपके बारे में राज्य के बिल्कुल पास में देवनाथ जी पुरोहित हुआ करते थे। मेवाड़ के सेरेमनी ऑफ मास्टर जितने भी मेवाड़ के फंक्शन होते थे उसमें किसको किस जगह बिठाना है, उस फंक्शन को किस तरीके से करना है वो देवनाथ जी पुरोहित को ही देवनाथ जी पुरोहित के होते हैं। और ये इससे इतिहास के काम को धीरे धीरे बारी हो बारी समाज के इतिहास के लिए कार्य कर रहे हैं और मैं तो बहुत ही जल्दी इसका परिणाम और आप मतलब इस संस्था के लिए
आप हमारे समाज के लिए किरत की बारी के लिए मन में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आप हमारे बीच में हैं। और जो किरत की बारी के बारे में जो लोग जानते हैं, आप समाज के बारे में जानकारी होगी, ये इतिहास का और उदयपुर के अनुभव इतिहास को हमने जोड़ के एक कमेटी का गठन किया है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर देव को कहना चाहते, इसके पहले मैं उनका सम्मानित करने का अनुरोध करता हूँ, सम्मानित किया जाए अपने देव को कहना था उनके प्रदूषण कर रहे हैं सही लगे इनको कई समाज में आए छोटा प्रदूषण मैं यहीं से प्रारंभ करूँगा। डॉक्टर देव को कहना चाहता हूँ सम्मान श्री सामराज भाई देव पटेल साहब का स्वागत करेंगे। आपका सानिध्य हमेशा थोड़ा जल्द कमेटी के अंदर एक मीटिंग बना हुआ था आसपास के लोग आपने मीटिंग किया हुआ है रुका हुआ है केंद्र बना हुआ बहुत बड़ा उसके अंदर भगवान है उनको विराजमान है इतिहास हमारी संस्कृति का इतिहास घड़ रहा है। इतिहास में शायद ही इस प्रकार की कोई मीटिंग हुई होगी, तो ये प्रथम मीटिंग है। मैं कई सालों से सोसाइटी के कामों से जुड़ा हूँ, तो मेरा ये अनुभव है कि प्रथम कोई मेहमान इस प्रकार के एक साथ 8-10 मेहमान एक साथ आए हुए मेहमान तो हमने बहुत से बुलाए हैं, लेकिन एक साथ 8 मेहमान 10 मेहमान को हमने बुलाया है, तो आप मुझे सम्मान दें चाहे कि हमने हमारे बीच में मेडिकल टीम श्रीमान गणेश राय जी नागदा जो 42 साल की उम्र है, हमारे नवयुवक की तरह काम करते हैं और हमारे संस्था में कोषाध्यक्ष हैं और ब्राह्मण समाज के विभिन्न संस्थाओं में बराबर काम करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सही हमारे साथ जुड़े के कई मुझे काम हुए, मतलब इनकी काम करने की बहुत तगड़ी प्रवृत्ति है। तो नेक्स्ट में ये उपाध्यक्ष समाज के उनको मैं निवेदन करता हूँ कि चीन में मेरे साथ का आप स्वागत करें और ओपन मोमेंट से आपका स्वागत है। आपको बताओ कि दो महीने पहले अपनी दोस्ती को साथ में लेकर के आप घर में वहाँ पर दो घंटे काम का लगा के बारे में आपने जानकारी दी थी, वो आप हो गया
प्रोफेसर रिमल जी शर्मा साहब के स्वागत के श्री मदन लाल जी देवरे का से आप केंद्र करते हैं आप स्वागत करें पाप ओपना मोमेंट से आपका सम्मान करें प्रोफेसर साहब रिमल जी शर्मा जी आप टीम के पर से इंटरव्यू हुए हैं एमपी की श्री विजय सिंह जी अनावर साहब का स्वागत के लिए श्री केशव सिंह जी श्री केशव सिंह जी श्री केशव सिंह जी आप श्री अनावर साहब का स्वागत के लिए श्री केशव सिंह जी श्री केशव सिंह जी श्री बाबू सिंह जी आप विजय सिंह जी अनावर का स्वागत करेंगे डॉक्टर श्री मनीष जी श्रीमान जी का स्वागत के लिए श्री केशव सिंह जी को मदन करता हूँ डॉक्टर मनीष जी श्रीमान जी स्वागत है और उन्होंने पार्टी की श्री आज ये भगवत सिंह जी आप स्वागत है श्री हरिदास जी महाराज साहब का हमारे हमेशा ईसाइयों की हर जगह से काम आने वाले और लगभग 75 साल की एज में भी युवाओं से भी तेज गति से चलने वाले संगठन को साथ लेकर चलने वाले हर ये चलते हैं संगठन चलना है कहीं पे भी इच्छुक हो इनको कोई भी काम बता दो वो जो व्यक्तित्व है हमारे जय किशन जी छोड़े आप उनका स्वागत के लिए आयो से आज आपके विराजमान निर्माण के आपकी मेहनत है उनके स्वागत के लिए अपने इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जय कुठारी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विभोजन के लिए नामांकन